नमस्कार शुभ सकाळ मॉर्निंग बॉज को स्वागत करुछु आथरे प्रथम हेडलाइंस आज ओ काली राज्यर सबु सरांचल सटाउन दुकान बाजार सह गाड़ी चलाचल बंद विभिन्न छकरे पुलिस रो कड़ा चेकिंग कटकणारु अत्यावश्यक काम को पार देशर परवर्ती प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमना आज करिवे शपथ ग्रहण बोबड़े पर देशर 40तम प्रधान विचारपति होउछन्ते जस्टिस रमना ट्रैक्टर सह बाइक मुहांमुही धक्का दुई मृत जड़े गुरुतर कंधमाल कोटे पड़ी ठारे मर्मन्तुत दुर्घटना पिपिल उपनिर्वाचन पाई कांग्रेस प्रार्थी घोषणा विश्वकेशन हरिचंदन नारे मोहर मारे शीर्ष नेतृत्व अजित मंगराज को देहांत पर प्रार्थी खोजुला दल मे 16 पिपिली भोट कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री बड़ घोषणा गरीबों को मिल दुई मासर मागणा राशन खर्च हो 26,000 कोटी टंका सेपटे 10 अधिक प्रभावित राज्यर मुख्यमंत्री मोदी आलोचना गिरफ्तारी को नहीं प्रश्न कले आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेउरा राजनैतिक चापरे चेपा जाजपुर एसपी रविदास नुहे मुख्य अभियुक्त मुख्य षड्यंत्रकारी को तुरंत गिरफ्त करने को दावी एवं आईपीएल महासमर पुणी हरिला मुंबई विजय ट्रैक को फेरिला पंजाब केएल राहुल और गेल का विस्फोरक बैटिंग मुंबई को 9 विकेट रे कले परास्त संपूर्ण खबर को आज सारा राज्य सबु सहरांचल दुईदिनिया सटडाउन आज सका पांचटू सोमवार सका जाए बलबत्तर रटका यह समय मॉर्निंग वॉक पांचटू छा घंटा कोहल कर तेज सटडाउन सहर मानक दुकान बजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रह गाड़ी चलाचल बंद रही विभिन्न छक चेकपोस्ट कर पुलिस कड़ा पहरा देसह गली कंदुरी पीसीआर भ्यान बुलवा लोकों पर नजर रखी नियम भांगी के बाहर को बाहर कड़ा कार्यानुष्ठान तबे कटकणारु अत्यावश्यक सेवा को बात दिया जाइछि एहा सह जरूरी काम रे थिबा लोके परिचय पत्र देखाई जिबा पई अनुमति रहिछि एने अधिक सूचना पई हमें सदासल को जिबा भुवनेश्वर सेटर अछिना प्रतिनिधि सुशांत सुशांत आज सप्ताहांत सटडाउन अर्थात आम एटी कोई परिपा जे घंटाए कोहल सरला पुणी कटकणा बढ़ला कि भले देखुछते निश्चित भाव माधुरी देखु विशेष भाव आप देखुए काली जितेबाद पुलिस कमिशनर प्रेस मीट करते विशेष भाव सब बड़ गुरुत्व देते ट्विन सिटी की कारण आप देखिए जदि ट्विन सिटी देखा कोविड संक्रमण कथा कह दिन को दिन बढ़िवार लगी राजधानी आप देखुंत दैनिक 400 ऊर्ध केस आसत कटक से देखा गले मैं अधिकर अधिक कोविड संक्रमण संख्या वृद्धि पाता सहित राज्य में देखिए राज्य में दैनिक जब देखिए 6,000 ऊर्ध आसिले बर्तमान कोविड पॉजिटिव दैनिक चिन्हट होती तो यह दृष्टि रखी राज्य सरकार जो निष्पत्ति नहीं सप्ताह जो शेष दुई दिन शनिवार और रविवार जो राज्यर सहरांचल गुड़ अच्छी से गुड़ी संपूर्ण भाव सटडाउन घोषणा कर मुझी भुवनेश्वर एजी छक आप जानते जनबहुल छक एजी छक कितु जेहेतु सटडाउन आप देखते बर्तमान रास्ता कह संपूर्ण एक प्रकार काँ काँ अच्छी तासत पुलिस पक्षर जो का सूचना देते पुलिस कमिशनर व्यापक व्यवस्था कर सहित विभिन्न सहर विभिन्न छक एमती चेकिंग पोस्ट कर जो मानकर अत्यावश्यक काम अच्छी एवं जो मैंने मेडिकल काम ता सहित किंबा से फ्लाइट अच्छी किंबा से कड़े रेल जबार अच्छी से केवल छड़ा जाऊँगी सहित अन्य जो मैंने अजथार बाहर को बाहर से विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करें देखिपे सीधा सड़क ये छकर जिते दिग देखिए चारिदिक संपूर्ण भाव कह गले पुलिस पक्षर वर्तमान चेकिंग जोरदार करा केवल यही छक नुह ता सहित भुवनेश्वर 150 जन ऑफिसर को नियुक्ति करा जाय छी एवं ता सहित 20 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाय छी आ गोटे कथा कही रखुच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो मैंने रही से पेट्रोलिंग करेंगे बोली जहाँ सूचना देते कि जदि कौन व्यक्ति जो अजथार बाहर बुल जो रही सटडाउन नियम जदि विरुद्ध कड़ा कार्यानुष्ठान माधुरी कार्यानुष्ठान सब भितर लोके सचेतनता रहिबार आवश्यकता रही है कहीं सरकार पक्षर समस्त प्रकार कड़ा कार्यानुष्ठान सब भितर लोकों सचेतनतार आवश्यकता रही है बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपंकर तमाम सूचना
आम आपको सीधा सड़क बालेश्वर नहीं जाऊ सेठार अच्छे प्रतिनिधि प्रकाश बालेश्वर चित्र देखा सटाउन किभली सेठार स्थिति रही प्रकाश जानवाक चाहिए ये हूँ सप्ताहत सटाउन आज आरंभ हो अर्थात गोटे घंटार कोहल मिलता पांचटू छा कोहल मिलवापर वर्तमान समय पुणी थे लागू अर्थात पुणी थे कटक जारी कर पुलिस कड़ा प्रहरा दे भुवनेश्वर आम चित्र देखा दर्शकों बालेश्वर चित्र कण आसुच्छे भाव गत काली जो नाइट कर्फ्यू थी नाइट कर्फ्यू अवधि सरपुर सप्ताहट सटडाउन बर्तमान अर्थात सोमवार दिन सका पांचटा पर्यटन पूरा जारी रही बालेश्वर जिलार विभिन्न जो प्रमुख छक गुड़िक अच्छी से छक गुड़िकरे पुलिस प्रशासन पक्ष व्यापक चेकिंग कराऊँ समस्ते जो मैंने आसुँचने कौ कार्य आसुँचने निर्दिष्ट जो कागज कम आसी समस्त कागजपत आईडेट कार्ड देखला पुलिस से पूरा कड़ाकड़ी भाव जांच कर अमान्य आसुँच विभिन्न आला देखा पुलिस पूरा जोरदार चेकिंग को जोरदार करी एवं जो मैंने मानु ना सीधा सड़क बर्तमान कि समय पूर्व जो बिहार जो गोटे गाड़ी आसी सीधा सड़क बर्तमान थाना को नहीं घटना समस्त चेकिंग कर जो मैंने भी आसुँचे पुलिस पूरा अटकाउे और पचारूँ ता सहित आज सका सका गोटे घंटार जो अवधि मिलता जे कि जो मैंने मर्णिंग वाक करते मर्णिंग वाक करेंगे ता परवर्त समय से आउ कौन प्रकार छड़ा जा ना जो लोक मैंने दिखा आसुँच ये हूँ से ही छक जो प्रमुख छक सहर भितर को प्रवेश करने सहरु बाहर को बाहर ये हूँ से पुलिस लाइन छक जोटार कि व्यापक जनगहली देखा जाए कितु आम गोटे प्रकार माधुरी कहींपर लोक किटा सचेतन होती तथा ता भितर अने किसी भी अमान्य अच्छा जो मैंने अमान्य अच्छा पुलिस पूरा अटकाउे और जांच करुच्ची तो सीधा सड़क जदि आम कह पुलिस प्रहरा रही केवल पुलिस लाइन छक नुह आई टी आई छक आरंभ कर फकीर मोहन छक समस्त जो प्रमुख छक से छक गुड़िक कड़ाकड़ी को जांच कर आम सहित अच्छा जे चेकिंग कर एस आई सर तर आम प्रतिक्रिया नवा और देखिए देखो जो लोक मैंने आसान पुलिस अटकाउे जो आईडेट कार्ड से देखा और परवर्त समय बुझला पुलिस से जीवाई अनुमति दौर ना अनुमति दि जाऊना और थाना को विषय पचरा पचरा सर चेकिंग व्यवस्था के कड़ाक अच्छा कौन कौन सब देखते ना जो आपंकर जो गाइडलाइन सटडाउन अनुसार आम प्रति गाड़ी की बर्तमान डिटेन करुचु अटकाउ बुझुचे कौन पाई से जाकर आईडेट कार्ड भेरीफाए करुचुतापर तर जो गुड़ा लिगाली जीवा कथा छाड़ु बिहार गाड़ी आटकैले थाना कौन अटक बर्तमान तो परमिशन ना से सटडाउन हिसाब से कौटू से बाहर आसिले से टेस्ट रिपोर्ट अच्छी कि ना कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट अच्छी कि ना तो भेरीफाई कर पुलिस स्टेशन को देखुला माधुरी देखो एपटे देखे चित्र जो जो केवल अत्यावश्यक सामग्री नहीं जाऊ जो गाड़ी गुड़िक छड़ा जावा कथा किंतु किसी लोक अच्छा जो मैंने कि एसेनसीआल गुड सर्विस लिखुंटे से सामग्री ने कड़ाकड़ी भाव जांच कराऊँ देखु ये लिखाई एसेनसीआल गुड सर्विस लिखाई बोध हुए से पाखे से सामग्री नहीं कि जाऊार कागजपत बोध हुए ना जो पुलिस से अटकई पचरा उचरा कर जो एसेनसीआल गुड सर्विस कथा कहते से जिनपत आप अच्छी ना कागजपत अच्छी ना से देखला जा छड़ ना आप देखते जान था जे कि ये चेकिंग को पूरा कड़ाकड़ी भाव में कराई बिना कागज पत्र बा डॉक्यूमेंट बा कोनो सब कडा कडी चेक करा जाय छी पुलिस सामे देखि पारु छु चित्र सबुटी सहर रे कि भली छक छक रे जकि छी पुलिस से पुलिस रे कडा पहरा रहि छी आमे पुनी थरे राजधानी भुवनेश्वर जिबा भुवनेश्वर छने हम प्रतिनिधि संतोष जना संतोष घंटा रे कोहळ सरी छी एवं वर्तमान समय रे पुनी कटकणा बढि छी कि भली देखु छथे चित्र आज राजधानी में देखा मिली पाखापाखि 42 टी जगार वर्तमान चेकिंग या सहित अमानिया को सबार्ड करने अत्यावश्यक सेवा एवं जरूरी कालीन सेवे नियोजित होता लोकं चेकिंग करने पाखापाखि 125 क्षमा करेंगे 150 अफिसर सहित 42 टी जगार नाकाबंदी कराई अर्थात जदि किए घर पाद काढ़ुची एवं मुख्य रास्ता आड़क आसुची से कहीं आसी कौन पाई आसी आसवा पचर तार कारण कौन ये कथा पुलिस को से पूरा स्पष्टीकरण देव एवं पुलिस पाखे से संतोषजनक उत्तर रखिब जदि ए रखार से विफल हुए तेल तापर दृढ़ कार्यानुष्ठान एवं आपड़ देखुं किभ भाव में बर्तमान जमी सारा
ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନାକାବନ୍ଦି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ବି କେହି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ତାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଏଥର ରେଳ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ଏଥର ଚାଲିଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ସହିତ ଡିସିପି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର କୋହଳ ପରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଲୋକ ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି ଅଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ତା ଦେହରେ ଆଗରୁ ନିୟମ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଇଛି ଥ୍ରୁ TV, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରାହୋଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଭେହିକିଲ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ନିୟମ ବଦଳିଛି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକଥା ବୁଝିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଛି, ଏ ଘଟଣା ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଉଛି, ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେଟା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ନିୟମକୁ ଆମେ ନ ମାନିବୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ହେବ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସହର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, କେତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରାୟ 42-46 ଜାଗା, 42 ଜାଗାରେ ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଫିସର୍ସ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, 120 ଦେଖିଲେ ଆପଣ, AG ଛକ, ରାଜମହଲ, ଶିଶୁଭବନ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ଅଫିସର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବି ଫୋର୍ସ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେକିଂକୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିସ୍ତାବେ ମାଧୁରୀ, ଇଏ ହେଉଛି 120 ବାଟାଲିୟନ୍ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ପୁରା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପୁରା ରାସ୍ତା ଖାଁ ଖାଁ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି 150 ଅଫିସର ରାଜଧାନୀର ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅମାନିଆମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଖଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପେ ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଂଘାତିକ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହାର ଅଧିକା ବଢ଼ଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ବି କିଛି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି କନ୍ଦିରେ PCR ଧରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବଂ ରାଜଧାନୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ପାଖାପାଖି 42 ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଥରର ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଏଥରର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଏଥିପାଇଁ ଅଛି, ଏଠି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସହିତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ବା ସେ ଚାକିରି କରିଛି ତା'ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଛି କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜି ଲୋକ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ସହିତ DG ପୋଲିସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବେ। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ମାଧୁରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ
तथा भुवनेश्वर रे अनेक लोकंकर संपर्क अनेक लोकंकर प्रियजन साही पड़िसा एमाने समस्ते वर्तमान कोविड पॉजिटिव अछंती किंबा कोरोना रोगी को संस्पर्श रे आसी सेमाने क्वारंटाइन रे अछंती नहले बाहर राज्य रु आसी सेमाने क्वारंटाइन रे अछंती एकथा मध्य कमिश्नर सेमानकु निर्देश दैछंती जदी किए कहा पई खाइबा नै कि जाउथाय किंबा कोनोसी कोरोना आक्रांत किंबा कोरोना रोगी को संस्पर्श रे आसीथिबा लोकर किछि साहाय्य करिया पई जाउथाय पुलिस ताकु उपयुक्त वेरिफिकेशन करिवो एवं जदि दरकार हुए प्रत्येक छक रे सेई लोक को छडा जिवा पई मध्य अनुमति दिया जिवो एवं ए बहाना रे अनेक लोक आसीबा पई अनेक लोक नियम भांगिया पई मध्य चेष्टा करचंती किंतु पुलिस पूरा प्रस्तुत अछि एभली लोक जो माने आसीबे से माने प्रकृत रे आसीबार तांकर यथार्थ अछि कि नाही प्रकृत रे से माने आसीबा दरकार कि नाही एकथा पुलिस पूरा भल भाबरे जानिबो एवं कोरोना रो द्वितीय लहर को मात दबा पई जो सप्ताहांत शटडाउन रो नियम रहिछि निहाति भाबरे आगामी दिन रे एहा संक्रमण जो ग्राफ अछि से ग्राफ केते कमिबो केते बढ़ाइबो या कुही अपेक्षा रहिबो माधुरी निहाति भाबे वर्तमान समय अमानिया को सबाट करा जाउछि अर्थात अमानिया जो माने भी बाहर को आसुछन्ते जदियो कोनोसे काम नहि तबे समान को विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाउछि एहा सहित विभिन्न स्थान रे हम आपन को चित्र देखाइलु जे जेउठारे की कड़ा चेकिंग चलिछि अर्थात पुलिस रो पहरा चलिछि बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपन को तमाम सूचना पई बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश आम सहित जोड़ी रही थे और सुशांत मध्य भुवनेश्वर जोड़ी रही थे बहुत बहुत धन्यवाद असे परवर्त खबर को आज प्रधान विचारपति भाव शपथ ग्रहण करेंगे जस्टिस एन भी रमना देशर 48वें प्रधान विचारपति भाव से शपथ ग्रहण करेंगे एप्रिल 23 रे सीजेआई एसए बोबड़े कार्यकाल शेष हो बोबड़े विचारपति एन भी रमना होती सुप्रीमकोर्टर सबुठ वरिष्ठ विचारपति आंध्रप्रदेश एक कृषक पर 1975 अगस्त 27 रे विचारपति रमना जन्मग्रहण करते से 2022 अगस्त 26 पर्यंत देशर प्रधान विचारपति रहिबे रमना 2000 जून मासरे आंध्रप्रदेश हाईकोर्टे जड़े स्थायी विचारपति भाव निजुक्ति 2014 फेब्रुवारी रे सुप्रीम कोर्ट को जीवा पूर्व से दिल्ली हाईकोर्टे मुख्य विचारपति पदवी रे रही थिले एने अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी रही गगन जानिया को चाहिए शपथ ग्रहण करेंगे जस्टिस एन भी रमना केते बेले से निर्धारित समय रही देखो माधुरी निश्चित भाव जहाँ सांविधानिक न्यायिक परंपरा रही भारत वर्ष से अनुसार ही कार्यक्रम अनुषित हम कि कोरोना गाइडलाइन को लक्ष्य करके प्रस्तुत होती पूर्वतर सामान स्थित राष्ट्रपति भवन रे जो गेस्ट मैंने रही प्रधानमंत्री कहतु उपराष्ट्रपति कहतु समस्ते प्रोटोकल हिसाब से निज निज सीट अकुपाय करती किंतु जी लोक रहा कथा चीफ जस्टिस पर लोक गोटे आमंत्रित होता है विदायी जो चीफ जस्टिस आमंत्रित कार्यक्रम को किंतु कोरोना गाइडलाइन जो बहुत कम लोक पाखापाखि 20-25 सीट मात्र रही जो हल टी रही राष्ट्रपति भवन में से हल रही व्यवस्था कराई 11 जहाँ समय रही 11 ही अनुष्ठित हम एवं गत काल देखिए जो विदायकालीन संवर्धना उत्सव थी जहाँ सुप्रीम कोर्ट पेरीफेरी रे ही अनुष्ठित हुए सब वर्ष किंतु एथर कोरोना गाइडलाइन जो परंपरा भंगन होती गत काली जो विदायकालीन संवर्धना दी जाइए एसए बोबड़े को वर्चुअल मोड रे किंतु आज जहाँ पाखे जहाँ सूचना रही 11 ये कार्यक्रम अनुष्ठित हम और निश्चित भाव सारा भारत वर्ष या लाइव टेलीकास्ट मध्य देखिपारे विभिन्न गणमाध्यम जरिया जे देखिए रमन्ना जो कैरियर रही 2000 हाईकोर्ट रे स्थायी विचारपति भाव निजुक्ति पूर्व से जे दक्ष वकिल थे 2014 रे फर्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट रे एंट्री है से पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट रे मुख्य विचारपति थे अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण विभाग से हियरिंग करशार दीदी मु कथा कहि ओडिसा रा अनेक गुडिया मैटर रे मध्ये से लिप्त रहिसेंति पूर्वरु कोलाभरम होउ बा आमर जो रहिछि अनेक दिन धरि दाबी थिला बा जो गठन करायथला गुडे ट्रिब्युनल पूर्वरु आंध्र ओडिसा रा विवाद को नै कि सेतरे मध्ये से थिले बेंच रे थिले तन ओडिसा रो अनेक गुडिया गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे मध्ये हियरिंग करिसेंति एवं आगो को आमर अनेक गुडिया प्रसंग मध्ये रहिछि जगन्नाथ संस्कृति मामला होउ बा कोटिया प्रसंग हो अनेक गुड़िया प्रसंग रही तेणु निश्चित भाव से देखा मिली पाए एवं दीदी विदायकालीन जो शरद बब्दे थे एस ए बब्दे थे अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण राय देते ओडिशा परिप्रेक्षी खास कर सबुठ हाइलाइट कथा एस ए बब्दे पूर्व वर्ष जिते रथयात्रा बंद हो जाता कोविड समय
ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାପ ରହିଛି ଉଭୟ ବିଦାୟକାଳୀନ ତୀର୍ଥଶ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଶ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, 11 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର 48ତମ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଶର 40ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମୟ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ସେ 11ଟା ସମୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ 48ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ 11ଟାରେ ସେ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା କୋଟପଡ଼ିଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ସିନ୍ଦ୍ରି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାପଦର ଗାଁର 3 ଯୁବକ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବିଗାପଦର ଗାଁର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜାରୀ ଓ ଦଶରଥ ବିଶି ମାଝୀ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 17ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 14ତାରିଖରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମେ 13ରେ ମତଦାନ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପୁଣି ତାରିଖ ବଦଳିଥିଲା। ମେ 16ରେ ମତଦାନ ଏବଂ ମେ 19ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଭଳି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ମୁମ୍ବାଇକୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ପଞ୍ଜାବ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ପଞ୍ଜାବ କ୍ରମାଗତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରି କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଟିମ୍ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 131 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ 1 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 14 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅପରାଜିତ 60 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।